સો રાતના વાગ્યા છે દોઢ અને રાહુલ કહે છે મને ભૂખ લાગી છે તો આપણે કંઈક બનાવીએ એના માટે અને હું બી થોડું ઘણું તો ખાઈશ ને બનાવો એટલે તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. સો અત્યારે હું બનાવી રહી છું પાસ્તા ચીઝ એન્ડ મેક્રોની. 5 મિનિટની અંદર જ મેં ચીઝવાળા પાસ્તા તૈયાર થઈ ગયા જે રેડીમેડ તૈયાર આવે છે. सो गाइज आज का लंच आप देख लीजिए कितना बेहतरीन है यार. और इसके अंदर मेरे ख्याल से दाल के साथ हिना ने पनीर को फ्राई करके डाला है तो मतलब आज तो झींगा लाला ऊ लाला पू लाला हो गया. और ये मेरी बीवी ने खाना बनाया है, सरप्राइज किया मेरे को सरप्राइज पनीर के साथ. सो या चलिए लंच कर लेते हैं अब. Hey guys, good morning. Welcome back to our channel. I hope you guys are doing well. Hey guys, so अभी हम जा रहे हैं बारबी देखने के लिए और इसलिए मैंने पिंक पिंक पहना है बारबी की तरह वैसे. ओके और हिना भी आ रही है सो चलिए थिएटर चलते हैं और मिलते हैं. अगर कभी हम टाइम पे पहुंचे ना तो आज भी हम 5 मिनट लेट हैं. और ये बारबी के लिए हम जा रहे हैं और हम दोनों ने पिंक पिंक पहना है और हम बारबी के लिए आ गए हैं. लिफ्ट भी आ चुकी है, टिकट मिल चुकी है, स्क्रीन में जाने का है. बस हीना का चेकिंग चल रहा है, हीना को अच्छे से चेक कर रहे हैं बिकॉज हीना बहुत कांड करती है इसलिए. नहीं चलो अभी ऐसे. Barbie, hi Barbie. 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 Hi Ken. Hi Barbie. इंटरवल तक मूवी देख ली है और एक्चुअली मूवी बहुत अच्छी है, मूवी का मैसेज बहुत अच्छा है और अभी इंटरवल तक तो फुल फन और मज़े वाली है. आगे देखते हैं मूवी कैसी होती है. और ये मूवी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रिलीज़ की गई है, वो मैं समझता हूँ क्यों की गई है, बट एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बहुत अच्छी मूवी. अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, आगे चल के देखते हैं एंडिंग वगैरह कैसा है. सो फाइनली हम बारबी देख के बाहर आ चुके हैं. ओ माय गॉड क्या मूवी थी, मतलब मजा आ गया यार. फुल फनी, एंड में फुल इमोशनल कर दिया, लाइक एंडिंग वाज सो इमोशनल, मतलब बस मेरी आंख में से आंसू नहीं आए. और इतनी मीनिंगफुल मूवी है ना, और लड़कियों के लिए तो चुम्मेश्वरी, मतलब इतनी सही चीज दिखाई है ना ये रियल वर्ल्ड के बारे में और बारबी वर्ल्ड के बारे में एंड ऑल दैट. मैं तो बोलता हूँ सभी लड़कियों को अपने जो भी बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है सबको लेके जाना चाहिए, सबको ये मूवी देखनी चाहिए. एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है. मैं तो इस मूवी को ऐसी मतलब वो कार्टूनिश मूवी समझ रहा था, बट जो इसका वो है ना मतलब मीनिंग है ना, बहुत 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 अच्छा निकला, मतलब आउटस्टैंडिंग मूवी. हिना आपको कैसी लगी? हमारा जादू रेडी हो गया वर्ल्ड को डिस्कवर करने के लिए. धूप धूप चलो जादू. बारबी हाँ बारबी. सब लोग पिंक पिंक कलर का सब कुछ पहन के आए थे, हम भी पहन के आए थे ऑब्वियसली, और पूरी पिक्चर में भी सब कुछ पिंक 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 ही दिख रहा था. ऐसा लग रहा था कि कोई और कलर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ. सब कुछ पिंक 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 ही दिख रहा था वैसा, ठीक है, पता नहीं क्यों बट अच्छा लग रहा था. वैसा फील गुड मूवी था बाय द वे, मतलब खुश कर दे आपको ऐसा. एंडिंग वाज थोड़ा खतरनाक बट ओवरऑल. चलो हीना. बारबी हाय बारबी. पैर अच्छे से जोड़ो, देख लो अच्छे से. मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सुनो, हीना के दांत दर्द हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसको ऐसा बोल रहा हूँ कि आप ग्रीन टी रोज पी नहीं सकती तो कोई बात नहीं, उसकी कुल्ला करो. ग्रीन टी गुनगुना पानी, गर्म हो गुनगुने ग्रीन टी का कुल्ला करो और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके दांत दर्द कम हो जाएगा बिकॉज ग्रीन टी इज बेस्ट फॉर टीथ, लाइक भगवान है ग्रीन टी. मेरे को जिंदगी में कभी भी हल्का सा भी दांत दर्द हुआ है, क्योंकि मेरे क्या है मसूड़े बहुत कमजोर है हमेशा से, तो मैं हल्का सा भी मेरे को ऐसा लगता है दर्द हो रहा है मैं ग्रीन टी पी लेता हूँ या ग्रीन टी से वो कर लेता हूँ. मैं ग्रीन टी पी ही जाता हूँ वैसे भी, हाँ,
तो मेरे दर्द 99% कम हो ही जाता है, खत्म ही हो जाता है। पर मैं हीना को बोल रहा हूँ, पर हीना मान ही नहीं रही है। हीना मान रही हो कि नहीं? ट्राई तो करो, चलो चलो ट्राई करो, चलो चलो अभी बनाओ ग्रीन टी, ठीक है? इतना इतना कप बनाओ, छोटा छोटा, ठीक है? और ट्राई करो, चलो अपने पास तो बेस्ट वाली ग्रीन टी है, फिर अपने क्लोजेट का काम करेंगे। चलो गाइस, ये गाड़ी वाले को देखो, हमारी तरफ पूरा घुसता हुआ आ रहा है। गाइस ये रोड की हालत देखो, ये वाला रोड है ना, जो टॉप 3 सर्कल से अधेवाड़ा तक का जो रोड है ना, इसकी तो वाट लग चुकी है, लाइक लिटरली वाट लग चुकी है, ठीक है? रोड में खड्डा, खड्डे में रोड, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रोड तो बचा ही नहीं है, सिर्फ खड्डे ही बचे हैं, इन शॉर्ट वैसा हो चुका है। सामने स्काई देखो गाइस, ऑरेंज कलर के क्लाउड, ब्लैक कलर के क्लाउड, व्हाइट कलर के क्लाउड, सब कुछ है ऊपर। आज मल्टी क्लाउड सिस्टम चल रहा है, मल्टी क्लाउड सिस्टम। सो क्या हुआ? बिचारी के कान में फुल ऑन दर्द हो रहा है। अभी हम हमारा एक टेबल जो था, आपको पता है, वो यहाँ छोड़ने आए थे। अभी कुछ नया होने वाला है हमारी लाइफ में, पर अभी हम बताएंगे नहीं आपको। बिचारी दर्द से पीड़ित हो रखी है और मेरे को बोल रही है जब खाना खा सकती हूँ तब कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, और जब अभी नहीं खा सकती हूँ तो पूरे गाँव का दर्द हो रहा है, और सही पूरे गांव का खाना खाने का मन कर रहा है। चलो बापू का आइसक्रीम खिलाते हैं। क्यों? मीठा तो आपको खाने का ही नहीं है। हाँ बोलती ना तो अभी यहीं पर सर दे मारता। फुल बारिश आ रही है सच में, मेरे पीछे आप देखोगे ना पूरा नज़ारा बन रहा है बारिश का, एकदम धपा टॉप बारिश आ रही है, ठीक है? और हम यहाँ पर आए थे कुछ सामान रखने के लिए, ठीक है? और अब यहाँ फंस गए हैं। बाय द वे हमारे पीछे जो ये घर है ना, पीछे वाला घर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, पर उसमें गार्डन बहुत अच्छा बना रखा है। जब हम भी यहाँ पर आएंगे तब हम भी यहाँ पर बढ़िया वाला गार्डन बनाएंगे। गाइस ये हीना को दांत में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने उसको सिखाया कि कैसे पानी में थोड़ा सा दारू मिला के पी जाना चाहिए। तो अभी हीना दिखाओ तो बॉटल, ये गाइस देखिए दारू मिक्स कर लिया है और पी गया। आ हा हा हा, क्या पौवा पीती है लड़की। आ हा हा, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। भाई पी जाओ पूरा, तो क्या फायदा हुआ अभी? तो वापस डालनी पड़ेगी। पिया तो कुछ बस, सब कुछ दवाई बाहर निकल गई। वापस पियो, वापस पियो, लाओ वापस, लाओ पानी डालते वापस। ऐसा नहीं होता, नहीं ना। छी गंदी। पहली बार दारू पीते हैं तो ऐसा ही होता है गाइस। बाय द वे गाइस, कोई इन्फ्लुएंस मत हो ना, दवाई पी रही थी, दारू नहीं पी रही थी, ठीक है? हम कोई भी गलत चीजें प्रमोट नहीं करते, दवाई पी रही थी, दवाई, और वो भी ड्रग्स नहीं है, नशा नहीं कर रही थी, लिटरली दवाई पी रही थी उसकी कान दर्द के लिए, पर वो पी नहीं है, सारी की सारी दवाई निकाल दी उसने। रोड पे खड़ी खड़ी सारे नखरे कर रही है आज। हो गया आज का कोटा पूरा, के और कोटा बाकी है।